गाय का मूत और गोबर गाय का खिलाता है लोगों को। पूछिए तो जब बीमार हो जाते हो तो अमेरिका में क्यों पहुंचते हो? हमारे देश को पढ़े लिखाई से शिक्षा से दूर कर रहे हैं। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ये लोग दोबारा से गुमराहियत में आकर के गुलाम बन जाएं। क्या आप लोग गुलाम बनना चाहते हो? से चौथा स्तंभ की वैल्यू समझेंगे। जो आप वर्क कर रहे हो ये आपका काम है, ये आपका धंधा है। तो वो जो आज रच रहे हैं षड्यंत्र, वो आज धर्मवाद खेल रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, अपने देश को लूट रहे हैं। वो भी क्या बना दिया? व्यापार का धंधा। और जो केजरीवाल है उन्होंने स्कूल बनाए लेकिन लोगों को दिखावा करके वो केवल लूटने का और षड्यंत्र बनाया कि हम लोग बहुजनों को कैसे गुमराहियत में लाएंगे। मोदी जी तो बोल रहे हैं सर्वदिन हिताय सर्वदिन सुखाय, संविधान पे चलते हैं, आप लोग उनको आरोप लगा रहे हैं। भैया हम आरोप नहीं लगा रहे, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को जो है ऐसी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो सबकी बात करते हैं लेकिन जो है हमारे साथ तो ना इंसाफी करते हैं भाई। मुस्लिम तो खुश है बीजेपी राज में। कहां खुश है मुस्लिम? मुस्लिम खुश इसलिए नहीं है क्योंकि देखो हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें वहां से FIR दर्ज हो जाती है। अरे वो तो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 29 है, वो हमें मौलिक अधिकार देता है। इनको भी आप कहीं भी जाकर के अपनी प्रेयर कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये रोकते हैं, इनके पास में कोई इशू तो है नहीं। इशू सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम की बात करके और वोट हासिल कर लेते हैं, जबकि जो है वोट जो पूरी की पूरी है वो आज जहां जिस तरीके से हम SC ST OBC और माइनॉरिटीज की के सम्मेलन में आए हैं या अपने संविधान बचाने के लिए महारैली हुई है, इसकी ये कामयाब है, ये देश को आगे ले जाएगी। विश्व गुरु का कोई नहीं बन रहा, ये तो खुद भी बेकार घूम रहे हैं भाई। 24 में फिर आ रहे हैं मोदी जी, कहाँ से आ रहे हैं? ये EVM से आ रहे हैं भाई साहब। आप बताओ मुझे कौन सी जनता खुश है? कौन सी जनता से सबसे पूछ लो कि कहाँ जनता खुश है? कोई जनता खुश नहीं है। इनके घर की एजेंसी है जो EVM बना है, जिस देश ने बनाया है, जिसने इजाद किया है। जरा वहाँ जाकर के बात कर लो तो मीडिया वाले हो ना, कि वो कौन इस्तेमाल कर रहा है? वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है, समझे? EVM तो कांग्रेस के टाइम भी था ना। कौन ही इसको तो इजाद करने वाला लाने वाला ही कांग्रेस है। ये कांग्रेस तो इनकी माँ है, ये तो बहुजनों के दुश्मन है सब लोग। ये तो केवल लॉलीपॉप देते हैं कि ये ले लो बेटा, चूसते रहो, और कुछ नहीं है। आपको बतलाइए कितना हक अधिकार मिल रहा है? अभी बहुजन मीडिया को बेटा तुम लोगों को ही गोरखपुर में जेलों में कैद कर दिया, ढूंढ ढूंढ के जहां मिले हो। आप तो गए नहीं उनको बचाने। कहां? मैं तो अब आपके जरिए से जब मुझे पता लगा है आवाज उठा रहा हूं, और जो जिसके साथ में भी कुछ हो गया उसको जवाब दूंगा। बताइए आज की रैली से कितना प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर? किस पे? बीजेपी सरकार। अरे बीजेपी है क्या यार, वो तो 39 छोटे छोटे गठबंधन को बना करके गठबंधन तैयार कर लिया, छोटी छोटी पार्टियों को, और लोगों को गुमराह कर रही है। और वो कम कर रहे हैं गुमराह मीडिया। अरे सुन लो, ये मीडिया गुमराह कर रही है जनता को, समझ रहे हो? कभी तुम अपने आप पे को सोच रहे हो क्या? तो सीधे रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो जैसे गोरखपुर में बंद कर दिया ना तुम्हें, ये चौथा स्तंभ खत्म कर देंगे। जो जितनी भी इसकी आजादी है चौथे स्तंभ की, सब खत्म कर देंगे। और चौथा स्तंभ ये है जो जनता की बात सरकार तक पहुंचाती है, सरकार की बात जनता तक। लेकिन आज केवल सरकार की बात जनता तक पहुंच रही है, जनता की बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है। और यदि पहुंचती है तो वो दलाली में पहुंच रही है। इस दलाली को खत्म करना होगा, इस बहुजनों को इकट्ठा होना होगा। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जो मोदी जी हैं उनका कहना है कि जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनके पास चंदा कहां से आता है, ये आम पब्लिक का पूछने का राइट नहीं है। ये संविधान में कहां लिखा हुआ है ऐसा? संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं भी। बिकॉज साहब जो है अगर चंदा आ रहा तो उसकी जाँच ना हो, ये बॉन्ड्स जो है इसकी जांच जो है, जिस तरीके से ये आम आदमी पार्टी के लीडर्स को फंसाया जा रहा है, आने वाले वक्त में ये बीजेपी वाले भी उसी में फंसेंगे। साफ बात है, ये आम आदमी हो या कोई सी भी हो, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये और कुछ नहीं है। ये तो ये कहते हैं कि आप आ जाओ या आप आ जाओ, है तो भाई इनका यही है फंडा। बहुजन जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये ब्राह्मण तंत्र है, ये कहते हैं देखिए इन्हें फंडा कौन देता चंदा, यही तो देते हैं बनिया। और ये कौन है आप वाले? केजरीवाल कौन है? इसी रामलीला मैदान में केजरीवाल ने 420 रची थी। मूत और गोबर गाय का खिलाता है लोगों को। उससे पूछिए तो जब बीमार हो जाते हो तो अमेरिका में क्यों पहुंचते हो?
अरे हमारे देश को पढ़ाई लिखाई से शिक्षा से दूर कर रहे हैं, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ये लोग दोबारा से गुमराहियत में आकर के गुलाम बन जाएं। क्या आप लोग गुलाम बनना चाहते हो? बहुजन कैसे आएगा फिर? हैं? बहुजन ऐसे आएगा जब आप नेक नियत से चौथा स्तंभ की वैल्यू समझेंगे। जो आप वर्क कर रहे हो ये आपका काम है, ये आपका धंधा है। तो वो जो आज रच रहे हैं षड्यंत्र, वो आज धर्मवाद खेल रहे हैं, यानी उस धंधे की लड़ाई कर रहे हैं और लूट रहे हैं। हम लोगों को लूट रहे हैं, अपने देश को लूट रहे हैं, समाज में एक दूसरे की बात फैला करके। आज शिक्षा की बात बताइए, समान की कौन करता? शिक्षा समान होनी चाहिए, कोई नहीं कर रहा है। इन्होंने शिक्षा को भी क्या बना दिया? व्यापार का धंधा। और जो केजरीवाल है, उन्होंने स्कूल बनाए लेकिन लोगों को दिखावा करके वो केवल लूटने का और षड्यंत्र बनाया कि हम लोग बहुजनों को कैसे गुमराहियत में लाएंगे। सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जितने भी हमारे? देखिए, हम ये संदेश देना चाहते हैं, जैसा कि राजू भाई ने कहा कि आने वाला वक्त जो है वो बहुजन समाज का है, मूल निवासी का है, और यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद है हम लोगों की, दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट समाज, मुस्लिम जो है सेकेंड लार्जेस्ट समाज है इस भारत के अंदर, और उसके साथ में जो है SC ST OBC, हम सब मिलकर के जो है इकट्ठा होकर के ईमानदारी के साथ में काम करेंगे और अपने देश को बचाएंगे, अपने देश को तरक्की पे लेकर के जाएंगे और इसकी सुरक्षा और हर चीज़ हम जो है हम देखभाल करेंगे। यही आज का हमारा संदेश है। हम मिलजुल करके भाईचारा जो हमारा संविधान कहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है उसके तहत ही सारे काम हम करेंगे। और देखिए एक मैसेज और दे दीजिए, बिना मुस्लिमों के बाबा साहब भी कामयाब नहीं हुए थे, बिना मुस्लिमों के कोई सा भी बहुजन समाज आगे नहीं आया था, ना इतने हिस्सेदारी की बात करिए आप, मुस्लिमों को जितने परसेंटेज में है उतने हिस्सेदारी की बात कीजिए। वो सत्ता में आएंगे, संसद में आएंगे तो SC ST OBC माइनॉरिटीज का सुरक्षा कवच बन जाएगा, क्योंकि मुस्लिम जो है समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित इस्लाम मजहब को मानने वाला होता है और वही हमारा संविधान है। थैंक यू।